हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोग के साथ एक अस्तर वाला ब्लाउज शेयर करने जा रही हूँ। मतलब आज बस कटिंग भर करूँगी और कल मतलब इसकी सिलाई विलाई करूँगी। तो देखिए, मैं मतलब बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप लोग ऐसे ब्लाउज काटेंगे ना तो बहुत ही आसान तरीका, इससे आसान तरीका तो मेरे ख्याल से और कोई नहीं है। तो आइए देखते हैं मैं ब्लाउज कैसे काटती हूँ। सबसे पहले मैं ब्लाउज की लंबाई देख रही हूँ कि इसकी लंबाई कितनी थी। मैं पुराना ब्लाउज ली तो उसी से लंबाई ले रही हूँ। और ये देखिए, इस तरह से लंबाई नाप लूँगी उसका, 14.5 इंच लंबाई। तो इसे मैं 14.5 इंच के करीब लंबाई ले लूँगी। और चौड़ाई है उसकी, मतलब इंच टेप से नापने पर उससे मतलब 11.5 बता रहा है, तो 11.5 का डबल होएगा 23 इंच। तो पूरी इसकी जो ये चौड़ाई देख रहे हैं आप सब ना, तो मैं 23 इंच पूरा लूँगी इस तरह से। तो इस तरह लंबाई और चौड़ाई पहले मैं ले रही हूँ। तो उसके बाद फिर से मैं कटिंग कर दूंगी और कटिंग करके इसे मैं अलग से कर लूँगी। और इसे कटिंग करने के बाद ना इसे फिर मैं एक फोल्ड और कर दूंगी इस तरह से। देखिए, 4 दोहरे में फोल्ड हो जाएगा। तो इसमें मेरा आगे और पीछे का दोनों का हिस्से का भाग है। और इसे ना, जैसे मेरे 14.5 इंच लंबाई थी, तो इसे 1/2 इंच में बढ़ के काटूँ। तो इस देखिए, यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ और 3.5 इंच है कंधे की चौड़ाई, और गले की लंबाई का मैं ले रही हूँ 6.5। और यहाँ पे जो काक की है ना, उससे मैं ले रही हूँ 7.5 के करीब ले रही हूँ। और जो ये आप लोग देख रहे हैं ना, मैं 4 इंच का रखे, तो फिर ऐसे गोलाई में लाइन दे देती हूँ। 4 इंच का लाइन खींचने से ना काफ़ी अच्छा ब्लाउज बैठ जाता है। और यहाँ पे मैं गले की भी गोलाई दे दूँगी। और यहाँ पे मैं कर लूँगी 3.5 इंच का तीरा पट्टी भी निकाल लूँगी, और तीरा पट्टी अभी नहीं काटूँगी। जब एक गला और एक मतलब काट के ना शोल्डर का, तो फिर मैं तीरा पट्टी काटूँगी, क्योंकि इसमें दोनों हिस्सा, अगर दोनों काट दूँगी तो दोनों कट जाएगा, आगे पीछे का दोनों हिस्सा कट जाएगा। और बाकी का इसमें मैं प्लेट डाल दे रही हूँ। और फिर मैं इसे कटिंग करूँगी। बहुत जल्दी ही ब्लाउज कट जाता है, मुश्किल से 10 मिनट लगता है ब्लाउज कटने में। और यहाँ शोल्डर की कटिंग करके मैं दोनों अलग कर लूँगी, आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा अलग अलग कर दूँगी। और फिर आगे के हिस्सा का मैं तीरा पट्टी काट लूँगी। और तीरा पट्टी काटने के बाद मैं काट लूँगी बाजू, फिर उसके बाद हमें ब्लाउज पीस पे रख के इसे काट लेना है। बहुत ही सरल ब्लाउज है। और अब जो पीछे का हिस्सा है ना, तो उसका भी गला थोड़ा छोटा काटी हूँ अभी, मतलब आगे के हिस्से पे रख के काटी थी ना, इसलिए उसका गला छोटा कटा है। उसका भी मैं देख के इसका गला में रखूँगी 11.5 इंच, क्योंकि मतलब हम सबका ब्लाउज है, तो उसका गला थोड़ा पीछे का डीप रखूँगी। बहुत ही डीप नहीं रहेगा, मीडियम में रहेगा। इसको भी देखिए, मैं इस तरह से गुलाई देखे इसे भी काट दूँगी। तो यहाँ पे मैं बाजू कटिंग कर लूँगी। बाजू की लंबाई में ले रही हूँ 5 इंच, क्योंकि थोड़ा बहुत सिलाई में चला जाएगा तो 1.5 इंच हमारा तैयारी पे आ जाएगा बाजू। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसका ले रही हूँ। और इसकी चौड़ाई में रखी हूँ 11.5 इंच, क्योंकि ब्लाउज है हमारा 12 इंच का, तो इसे मतलब इसकी चौड़ाई में रख रही हूँ 11.5 इंच, क्योंकि ब्लाउज अभी काफ़ी मतलब छाटने उठने में निकल जाएगा तो फिर भी फिट मतलब उस पर आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए, इस तरह से मैं इसको गुलाई दे दूँगी, और आगे का हिस्सा का भी अलग से गोलाई दे दूंगी। जो हमारा जो हिस्सा आगे की तरफ आएगा ना, तो उस पर भी मैं हल्का सा गोलाई देके गहराई से इसे काट दूंगी। ये देखिए, इस तरह से।
देखते हैं। अब मैं ले रही हूँ साड़ी का ब्लाउज पीस, जो साड़ी में से कटिंग होगी ब्लाउज पीस निकल रहा है ना, तो उसी को ले रही हूँ। इसे भी इस तरह से देखिए बिछा दूंगी। और जो हमारा किनारी है ना, ये हमेशा मतलब ध्यान रखें कि पीछे जरूर आए कमर पे किनारी, क्योंकि किनारी जब आता ना तो पीछे से उठा उठा ब्लाउज नहीं लगता, तो अन्य तो आप लोग बहुत देखते होंगे ना पीछे से उठा उठा ब्लाउज लगता है, तो किनारी कमर पे एकदम परफेक्ट आने से ना तो उठा उठा ब्लाउज नहीं लगता है। तो मैं हमेशा किनारी ना अपना पीछे के हिस्से पर जरूर लेती हूँ कमर पर। और इस तरह से देखिए मैं रख रख के पूरा अस्तर के साथ इसे काट लूंगी। और अस्तर से ब्लाउज पीस ना मैं आधा आधा इंच बढ़ के ही काटती हूँ, क्योंकि बाद में ताकि छोटा बड़ा ना हो ना, तो इसलिए हमेशा मैं आधा इंच के करीब बढ़ के ही काटती हूँ। ऐसे बहुत ही अच्छे से सिलाई में मतलब सिलने में आसानी रहती, कहीं भी बड़ा छोटा होने का डर नहीं रहता है, बल्कि बाद में फिर पूरा जब सिलाई कर लेती हूँ कच्ची सिलाई करने के बाद फिर पूरा मैं छांट देती हूँ ब्लाउज को। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा पूरा ब्लाउज कट चुका है, मैं इसे रख दे रही हूँ, मैं इसे बाद में सिलूंगी, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ खाना पीना निकालने। देखिए मम्मी भी मतलब सब काम वम हो गया था तभी मैं बैठी थी ब्लाउज काटने। और दोस्तों अगर आप सबको ये टिप्स मतलब जो भी मेरा ब्लाउज काटने का तरीका अगर आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग आप सबको कैसी लगी है। तो अब आपसे मैं कल मिलूँगी दूसरे वीडियो में, ताकि उसमें मैं आप लोग को पूरा सिलाई करके दिखाऊँगी। चलिए अब आप सबसे कल वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।